अगर तुम्हें एक साल और मक्कारी करनी है कि समय बिताएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो मेरे कहने या किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहेंगे? पीछे क्यों हट रहे हो? डर क्यों रहे हो? पीछे क्यों भाग रहे हो? डर गए तुम? सेकंड हैंड भी नहीं कर पाओगे, डरपोक तेरा नहीं होगा। एक साल का और तू कवच ले रहा है, छुपना चाह रहा है, गीदड़ है तू, इसीलिए छुप रहा है। लोग तो यही सोचेंगे सर, जब शेर को अटैक करना होता है ना, तो एक पंजा पीछे ले जाता है। वार करने के पहले ना शेर भी एक पंजा पीछे लेता है और उसके बाद वार करता है, तैयारी करता है। वो देखा तीर कमान चलते हुए, तीर को भी ना छोड़ने से पहले पीछे की तरफ खींचा जाता है कि उसको टाइट कर ले, एकदम की लगे तो आर पार हो जाए। क्या फर्क पड़ता है लोग क्या सोच रहे हैं? तुरंत जवाब थोड़ी देना है, एक साल बाद देंगे जवाब। आज समय उनका है, उनको उड़ लेने दीजिए, कल समय हमारा आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इंसान को जो बनाया गया है ऊपर वाले ने, बहुत अच्छा बनाया है, तो खुश रहना चाहिए। ज्यादा अपने आप को बहुत सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, और ना ज्यादा डाउन समझना चाहिए कि नहीं हम ही बेस्ट हैं या हम एकदम बेकार हैं। अरे यार, सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, उसको निकालो बाहर, ऐसे तीर निकलेंगे, उसको चलाओ, तब तुम जीवन जी पाओगे। ठीक है, पर हम सब की प्रॉब्लम है ना, मतलब वो नॉर्मल इंसान की प्रॉब्लम होती है, आम इंसान की, वही लोअर मिडिल क्लास में वो होता है, सोच क्या कि इंस्टेंट कंपटीशन कर लेते हैं, अभी का अभी पीछे कर देते हैं। उन्होंने 1+8 लिया तो किसी तरह से माँ बाप से गिड़गिड़ाए, दोस्तों से पैसा उधार लिए, किसी तरह से चलो 1+10 1+9 ले लेते हैं, इंस्टेंटली जीत लेते हैं। क्यों यार? एक लाइन सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने आप दिमाग में ये बात फीड की थी, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। उनसे बोल दो ना, आज समय आपका है, आप उड़ लीजिए, एक दिन समय हमारा आएगा, आप सबको उड़ा देंगे, है ना? तो अपने इस गुस्से को अपने अंदर भरो, काम करो, समय आने पे छोड़ेंगे यार। ये दुनिया मतलबी है भाई, ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। खुद से होगा नहीं कुछ, खुद से कुछ नहीं होगा, और तुझे करने से रोकेगी। यस, तो आप जिनकी एडवाइस ले रहे हैं, आप जिनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, आप जिनको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप जिनको देखकर ऐसा बनना चाह रहे हैं, वो सब फॉल्स पर्सनैलिटी है बेटा। समझ पा रहे? आपको रियलिटी में आना पड़ेगा। समझ पा रहे? सबके अलग अलग सिचुएशन है, आपको उसकी सिचुएशन में जाकर उसकी लाइफ जीने की जरूरत नहीं है जी, आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है। समझ पा रहे हो? अजीब सा खौफ था उस शेर की आंखों में, अजीब सा खौफ था उस शेर की आंखों में, जिसने जंगल में हमारे जूतों के निशान देखे थे। आज मेहनत करेगा तो कल आराम से, जो लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो हासिल कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम्हें चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा ही।